नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और ज़बरदस्त वीडियो के अंदर। आज मैं आपको बना हुआ एक डुप्लेक्स दिखाने वाला हूँ जो कि ऊपर दो रूम और नीचे एक रूम होने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे अपन लोकेशन की, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे, क्योंकि मैं ऐसे ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टी की वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो आज हम लोग खड़े हैं कालवाड़ रोड पर, करदनी थाने के बिल्कुल सामने गोकुलपुरा के अंदर हम खड़े हैं, जो कि अगर मेन कालवाड़ रोड से अगर मैं बात करूँ तो लगभग 500-700 मीटर दूरी पर हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। आसपास का सराउंडिंग एरिया मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर चल के कि कैसे कैसे आसपास में जो बसावट वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। उससे पहले एक बार फ्रंट एलिवेशन दिखा दीजिए, एक बार जो यहाँ पे डुप्लेक्स बने हुए बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे आपको डुप्लेक्स बने हुए दिखाई दे रहे होंगे। दो डुप्लेक्स यहाँ पे बनाए गए थे, इसमें से एक सोल्ड आउट हो गया, एक डुप्लेक्स यहाँ पे बचा हुआ है। अगर मैं साइज की बात करूँ तो देखो फ्रंट यहाँ पे बहुत अच्छा होने वाला है, 16 का यहाँ पे फ्रंट होने वाला है। बाकी साइज के बारे में जो है अपन बात करेंगे वीडियो के अंदर, प्राइस के बारे में बात करेंगे, साथ साथ डायमेंशन जो है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो आइए एक बार अपन देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बनी हुई है। तो सामने की तरफ कुछ इस तरीके से आपको रैंप मिल जाता है और यहाँ पे आयरन का बहुत ही मजबूत गेट आपको जो यहाँ पे दिया गया है, जो कि काफ़ी मजबूती के साथ यहाँ पे डिज़ाइन इसको करके दिया गया है। साइड में यहाँ पे एक जगह दी गई है जिसको आप किसी प्रकार से गार्डन वगैरह जैसे लुक में यहाँ पे इसको तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अंदर की तरफ। जैसे एंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको एक पोर्च का एरिया मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा बड़ा स्पेस है, जो कि आराम से एक सेडान कार आपकी इजीली यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। अच्छा, एक और सबसे अच्छी बात है, दोनों साइड जो है टाइल्स का वर्क करके यहाँ पे दिया गया है, जिससे कि जब आप यहाँ पे मान लो कि किसी प्रकार से यहाँ पे अगर वॉशिंग वगैरह यहाँ पे करें तो आप इजीली कर सकते हैं। तो इससे सीलन पपड़ी वगैरह बिल्कुल भी आपको यहाँ पे नहीं आने वाली है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वाटर टैंक का प्रोविजन मिल जाता है, वाटर टैंक के प्रोविजन की अगर बात की जाए तो लगभग 7000 लीटर के आसपास वाटर टैंक का प्रोविजन भी आपको यहाँ पे मिलता है। इस तरफ भी देखेंगे, इस तरफ यहाँ पे एक स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है जो आप अपने हिसाब से जैसे गार्डन वगैरह मिनी गार्डन टाइप में यहाँ पे लगा के किसी प्रकार से यहाँ पे इसको डेवलप यहाँ पे कर सकते हैं। इधर देखते हैं तो मीटर बॉक्स के लिए आपको सेपरेट एक जगह यहाँ पे बना के दी गई है, जो कि परफेक्ट तरीके से आप यहाँ पे मीटर बॉक्स भी बना सकते हैं। एंट्री सामने से कुछ इस तरीके से मेन एंट्री आपको मिलती है, बाहर एक जाली का गेट लगा के दिया गया है, साथ ही साथ अंदर दो पल्ले वाला गेट आपको दिखाई दे रहा होगा जिसकी सनमाइका देख लीजिए आप कितनी खूबसूरत सनमाइका के साथ इसको भी यहाँ पे तैयार किया गया है। अंदर एंट्री करते हैं। अच्छा, ये विला जो है ZD अप्रूव्ड होने वाला है, वेस्ट फेसिंग विला है, सेपरेट पट्टे के साथ मिलने वाला है, यानी कि SBI लोनेबल ये प्रॉपर्टी आपके लिए होने वाली है। तो जैसे अंदर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आपको डाइनिंग ड्राइंग एरिया का स्पेस आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा स्पेस यहाँ पे दिया गया है। इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे वॉल पेंटिंग का कुछ इस तरीके से काम किया गया है, काफ़ी डिजाइनर लुक के साथ इसको भी यहाँ पे तैयार किया गया है। और यहाँ पे एक जगह बनाई गई है जिसमें अपने कुछ भी आप शोकेस के सामान वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। ऊपर की तरफ फॉल सीलिंग का भी डिज़ाइन दिखा दीजिए, काफ़ी अच्छा और काफ़ी डिसेंट फॉल सीलिंग का डिज़ाइन भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो कि LED लाइट्स लगा के बहुत ही प्यारे तरीके से इसको यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। सामने की तरफ देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बड़ा सा एक TV पैनल का स्पेस आपको मिलता है जो कि काफ़ी बड़ा है, वुडन का यहाँ पे पूरा काम किया गया है। स्पेस ही ऐसे बड़े से बड़ा TV आप इजीली यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे कुछ LED लाइट्स का काम बाकी है जो कि काम करके आपको दिया जाएगा, जो भी अभी पेंडिंग है, जब भी आप इसको बुकिंग करते हैं आपको कंप्लीट करके दिया जाने वाला है। नीचे यहाँ पे भी कुछ रैक्स वगैरह आपको यहाँ पे मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी है कुछ छोटे मोटे सामान वगैरह आपको रखने के लिए। डाइनिंग ड्राइंग एरिया से अटैच्ड इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे एक पोर्शन आपको दिखाई देगा जो कि हैंडवॉश के लिए प्रोविजन यहाँ पे बनाया गया, पूरा टाइल्स के साथ 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 मिरर यहाँ पे लगा के दिया है। कितना खूबसूरत तरीके से यहाँ पे देखिए आप हैंडवॉश के लिए प्रोविजन जो दिया गया है, बहुत ही प्यारे तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। एक कॉमन वॉशरूम आपको मिल जाता है इधर की तरफ, जो कि एक बार दिखा दीजिए साइज की मैं बात करूँ लगभग 5x7 के आसपास कॉमन वॉशरूम आपको मिल जाता है। टाइल्स वगैरह का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है, साथ साथ में वेंटिलेशन का भी पूरा परफेक्ट यहाँ पे ध्यान रखा गया है। सैनिटरी फिटिंग पेंडिंग है वो आपको लगा के दी जाएगी। सैनिटरी फिटिंग की अगर मैं बात करूँ तो ब्रांडेड कंपनी की आपको सैनिटरी फिटिंग भी यहाँ पे मिलने वाली है। स्टेयर्स जो है इधर की तरफ से आपको ऊपर जाने के लिए मिलती है। उससे पहले मैं आपको इधर दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको किचन का स्पेस मिल जाता है। किचन भी काफ़ी स्पेसियस किचन यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्रेनाइट का टॉप यहाँ पे लगा के दिया गया है। टाइल्स का यहाँ पे काम किया गया है जो कि काफ़ी हाइट तक है कि खाना वाना अगर आप बना रहे हैं तो छींटे वीटे लगे तो आप इजीली उनको आराम से वॉश कर सकते हैं। पूरा वुडन का यहाँ पे काम करके दिया गया है। मॉड्यूलर किचन आपको यहाँ पे बना के दिया गया है, जैसे देख पा रहे हैं ब्रेक्स वगैरह का भी पूरा काम यहाँ पे करके दिया गया है। ऊपर भी कवर्स वगैरह जो है यहाँ पे आपको लगा के दी गई है। सामने वेंटिलेशन के लिए एक परफेक्ट विंडो आपको मिल जाता है, जो कि खाना बनाते समय वेंटिलेशन परफेक्ट बना रहे, साथ साथ सनलाइट भी परफेक्ट आपको मिलती है। चिमनी के लिए भी आपको प्रोविजन यहाँ पे बना के दिया गया है। देखते हैं इधर की तरफ, तो यहाँ पे एक स्पेस है जो कि आपका फ्रिज, बड़े से बड़ा फ्रिज आराम से आप इजीली यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, इतनी स्पेस आपको यहाँ पे भी दिया गया है। तो जैसे मैंने बताया था 3 बेडरूम आपको मैं डुप्लेक्स दिखाने वाला हूँ। एक बेडरूम इसमें नीचे की तरफ होने वाला है, 2 बेडरूम ऊपर की तरफ होने वाला है। जो नीचे जो बेडरूम है मैं उसका एक बार दिखा देता हूँ आपको मैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि साइज जो है 16 का फ्रंट होने वाला है, तो रूम साइज आपको बहुत ही बड़ी बड़ी रूम साइज आपको मिलने वाली है। यानी आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो लगभग 15x12 के आसपास का रूम साइज आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी स्पेसियस है, काफ़ी बड़ा रूम साइज आपको मिलता है। सामने की तरफ यहाँ पे देखिए कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पे वॉल पेंटिंग का काम यहाँ पे पूरी वॉल पे आपको यहाँ पे भी मिल रहा होगा। इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे
कबर्ड्स का काम करके दिया गया है, जो कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको कबर्ड्स यहाँ मिल जाते हैं। काफ़ी स्पीशियस कबर्ड्स आपको यहाँ पे भी मिलने वाली दोनों तरफ। कबर्ड्स का फायदा ये कि कुछ एक्स्ट्रा सामान, एक्स्ट्रा कपड़े जो है आप इजीली यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ऊपर की तरफ जो फॉल सीलिंग है उसका भी एक बार लुक दिखा दीजिए। यहाँ पे भी आपको फॉल सीलिंग का बहुत अच्छा यहाँ पे लुक काम करने के लिए काम किया हुआ देखने को मिलेगा। बात करें एसी फिटिंग की, हर जगह जहाँ जहाँ नीड है आपको एसी फिटिंग मिल जाती है। इस तरफ आपको विंडो का एक प्रोविजन दिया गया है और पीछे कुछ बैकयार्ड का बहुत प्यारा सा स्पेस भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि एक बार दिखा दीजिए। ऊपर से इसको जाल लगा के कवर किया गया और जाल के ऊपर छत पे फाइबर लगा के दिया गया, जिससे कि सनलाइट वहाँ से यहाँ तक प्रॉपर आपको मिलती रहे। तो हमने देखा भी, एक बेडरूम देख चुके हैं। अब बढ़ते हैं ऊपर की तरफ, वहाँ जो दो बेडरूम है वो भी हम लोग देखेंगे कि कैसे ऊपर की तरफ जो दो बेडरूम बने हुए हैं उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया 16 का ये फ्रंट होने वाला है, तो फ्रंट जो है काफ़ी खूबसूरत आपको दिया गया है। देखिए स्टेट्स का लुक कुछ डिफरेंट है बट प्यारा है। देखिए एसएस के साथ यहाँ टफरिंग ग्लास लगा के दिया गया है, जो कि काफ़ी खूबसूरती बढ़ाता है इस चीज़ की। स्टेट्स का लुक दिखाते हुए लेके आइए यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो आपको बहुत बड़ा सा लिविंग एरिया का स्पेस मिल जाता है। देखिए कितना बड़ा लिविंग एरिया का स्पेस आपको यहाँ पे दिया गया है। काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन यहाँ पे किया गया है। छत पे जाने के लिए इधर से आपको स्टेयर्स मिलती है और इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे जो वॉल पेंटिंग का जो काम किया गया है, काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी प्यारे तरीके से वॉल पेंटिंग का काम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे भी स्पेस दिया गया है जिसमें शोकेस वगैरह आप आराम से यहाँ पे लगा सकते हैं। फॉल सीलिंग का भी नज़ारा दिखा दीजिए यहाँ पे, आप फॉल सीलिंग भी देख पा रहे होंगे। बहुत ही प्यारी फॉल सीलिंग आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रही होगी। अब देखते हैं हम जो पीछे की तरफ रूम बना हुआ, उससे पहले यहाँ पे कॉमन वॉशरूम दिया गया है, तो कॉमन वॉशरूम का एक बार नजारा दिखा दीजिए। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं टाइल्स वगैरह का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पे किया गया है। साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वेंटिलेशन का पूरा परफेक्ट यहाँ पे ध्यान रखा गया है। सैनिटरी फिटिंग अभी पेंडिंग है, जो कि मैंने बताया सैनिटरी फिटिंग आपको लगा के यहाँ पे दी जाएगी। पीछे की तरफ जो रूम है, रूम की साइज वही आपको यहाँ पे होने वाली लगभग 15x12 के आसपास। बड़ी साइज में आपको ये भी रूम, मास्टर बड़ी साइज का रूम आपको मिलने वाला है। इधर की तरफ से पास आके एक बार दिखा दीजिए कितने प्यारे तरीके से यहाँ पे काम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है वॉल पेंटिंग का। साथ साथ ऊपर की तरफ भी आपको काम देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे पीओपी का वर्क किया गया है। और इधर की तरफ देखते हैं तो आपको कवर्स का स्पेस भी आपको मिलता है, जो कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको कवर्स का स्पेस भी यहाँ पे आपको दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इधर की तरफ देखते हैं तो विंडो का प्रोविजन आपको यहाँ पे मिलता है। पीछे की तरफ बैकयार्ड का एरिया जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे जैसे नीचे जाली दिखा रहा था, मैं ऊपर की तरफ पूरा फाइबर लगा के इसको काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे दिया गया, जिससे कि सनलाइट जो है प्रॉपर आपको देखिए अभी इस टाइम पे भी देखो बहुत मीडियम लाइट्स यहाँ पे जल रही है। सनलाइट की वजह से काफ़ी यहाँ पे उजाला आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। बढ़ते हैं अपन लास्ट एंड थर्ड बेडरूम की तरफ, जो कि कैसा बनाया हुआ वो भी हम एक बार देख लेते हैं। अरे वाह, लगभग 15x13 के आसपास का रूम, बहुत स्पेसियस रूम ये भी आपको मिले। नहीं, ऐसे स्पेसियस रूम जो है इस साइज में बहुत कम विलाज में आपको देखने को मिलते हैं। विलाज की साइज की मैं बात करूँ 96 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ है। बताऊंगा डायमेंशन भी इसकी, साथ साथ बताऊंगा प्राइस भी इसकी। देखिए कितने प्यारे तरीके से यहाँ पे भी वॉल पेंटिंग का काम किया गया, बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ यहाँ इस रूम में भी फॉल सीलिंग का वर्क भी यहाँ पे किया गया है। देखिए ZD अप्रूव्ड है, सेपरेट पट्टे के साथ है। वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इधर मिलता है आपको एक बालकनी का स्पेस, जो कि ये भी काफ़ी स्पेसियस बालकनी का स्पेस आपको यहाँ पे दिया गया है टफन ग्लास के साथ। यहाँ पे भी एसएस की रेलिंग आपको लगा के दी गई है। इधर आके आसपास का सराउंडिंग एरिया दिखा दीजिए एक बार, आसपास की बसावट देख लीजिए, पूरी कंप्लीट आसपास में बसावट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे यहाँ पे साइज। तो मैंने जैसे बताया आपको 96 स्क्वायर यार्ड इसकी साइज होने वाली है। डायमेंशन जो है 16 का फ्रंट मैंने बताया, डायमेंशन 16x54 की यहाँ पे होने वाली है। 96 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ, प्राइस भी बहुत खूबसूरत JD अप्रूव के हिसाब से, सेपरेट पट्टे के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत प्राइस आपके होने वाली है। 50 लाख रुपये इसकी प्राइस रखी गई है, वो भी नेगोशिएबल है ऑन टेबल आपके लिए। और बाकी जो चीज़ें हैं मैं डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा, जो बिल्डर है उनके नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ जाकर डायरेक्टली आप उनको कॉल कर सकते हो और विजिट के लिए अपॉइंटमेंट भी वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।